प्रणाम सर, मेरा नाम सुबोधना बिष्ट, मैं कण्व नगरी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से हूँ। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी जैसे स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते हैं और उत्तराखंड की सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, उनके लिए आपका यूट्यूब चैनल किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर मेरा अनुभव कहता है, मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हूँ। सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है, लेकिन जो जीएस का लेवल है मेरा बिल्कुल लो रहा है। 2 साल पहले जब मैं यूट्यूब से उत्तराखंड का जो जीएस है, खासकर हिस्ट्री के लिए मैंने सर्च किया, तो मुझे आपका चैनल मिला, आपका वीडियो देखा, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे सबसे यूनिक लगा, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तब से मैं आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हूँ और पढ़ती रहती हूँ। आपकी जो मेहनत है, निस्वार्थ भाव से जो आप पढ़ाते हो और निरंतर वीडियो भेजते हो यूट्यूब में, वो हमारे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। और फिर आपका जो रक्त प्रभाव वॉइस आता है, वो तो अंदर से एक करंट पैदा करता है कि हाँ, जब सर कर सकते हैं, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। बस सर यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे हजारों लाखों युवाओं का, स्टूडेंट्स का और हमारे फैमिली का आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईश्वर आपको ऐसे ही आगे ले जाए और आपके अंदर इतनी असीम शक्तियाँ दे कि आप ऐसे ही निरंतर निस्वार्थ भाव से हम जैसे युवाओं को पढ़ाते रहें और हमको भी आपके जैसे बनाएं। थैंक यू सर। हेलो सर, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मेरा नाम कुमरेश कुमार है, मैं बेसिकली जौनसार बावर के एक छोटे से गांव निमगा का रहने वाला हूँ। सॉरी चाहूँगा सर, थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ। सबसे पहले सर आपको मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो बनाने का पर्पज सर मेरा यही है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि एक विद्यार्थी को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अगर वो गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी करता है। तो ये चीज़ें मैंने आपके चैनल के माध्यम से सीखी है। मैंने उत्तराखंड में और भी बहुत सारे चैनल को देखा है, बट मुझे सबसे डिफरेंट आपका चैनल लगा, क्योंकि इसमें आप खुद एक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी क्लासरूम में बैठे। अदर चैनल भी है, वो भी अच्छा कर रहे, बट वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते, वो एक वीडियो के माध्यम से जो भी है बता देते, बट आप एक बोर्ड के माध्यम से जो चीज़ों को समझाते हो, लिखाते हो, डाउट क्लियर करते हो, तो एक बहुत बड़ी बात है और इससे चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। तो मुझे सबसे बेस्ट आपका चैनल लगा। और आपके चैनल के बारे में मेरी एक दोस्त, उसने मुझे बताया कि आप वहाँ से पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर जैसे आपका बैकग्राउंड टेक्निकल फील्ड का है, मतलब आपने बीएससी वगैरह करी है, तो मैं भी टेक्निकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग की है। तो मेरे को लगभग उत्तराखंड का तैयारी करते हुए 1 साल होने वाला है, तो बहुत कुछ मैंने आपके माध्यम से सीखा है कि तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी है। तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि मैं सर को आज शिक्षक दिवस पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे जैसे अनेकों छात्रों का भविष्य बनाया, उन्हें एक सही राह दिखाई है। आपकी जो एजुकेशन की वीडियो रहती है तो बहुत अच्छी रहती है, बट साथ में जो आपकी मोटिवेशन वीडियो रहती है उसका कुछ कहना ही नहीं है, उसमें एक बहुत पावर है। उससे क्या है कि एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम कभी थके हो कि यार थक गए, पढ़ पढ़ के नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं निकल रहे, बट जब आपकी मोटिवेशन वीडियो आती है तो लगता है कि नहीं यार हमें पढ़ना चाहिए। आपको देख के सर हमें और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप एक खुद गवर्नमेंट जॉब में उसके साथ साथ आप पढ़ा भी रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट आपसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और सर हाँ, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मुझे पता है आप सचिवालय में इस समय कार्यरत है, तो इच्छा होती है कि मैं भी कभी जब सचिवालय साइट आता हूँ तो मन करता है कि सर से को कॉल करूँ या टेलीग्राम में मैसेज करूँ कि सर मैं ऐसे सचिवालय के बाहर हूँ, आप मिल जाओगे, आपको समय है। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं,
अगर मिलना है तो सिलेक्शन के बाद मिठाई के साथ जाना है तो मिलने में मजा आएगा। तो सर मैं इसलिए ना आपको कॉल करता हूँ ना मैसेज करता हूँ, मेरा एक सपना है कि जिस समय मेरा सिलेक्शन हो जाएगा देन उसके बाद मैं सच्ची वाले आऊँगा आपके कार्यालय में, आपसे मिलूंगा और आपके साथ एक टिक मेरे को लेनी है, ये मेरा सपना, और देन इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। कहने के लिए तो सर बहुत कुछ है पर ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बस आपके लिए मैंने दो तीन लाइनें लिखी है तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि योगेश सर का महत्व कभी होगा ना कम, चाहे कितनी उन्नति कर ले हम। योगी सर का महत्व कभी होगा ना कम, चाहे कितनी उन्नति कर ले हम। करता हूँ मैं दिल से आपका सम्मान, आपको सर मेरा शत शत प्रणाम। एक और लिखी थी सर मैंने कि हिंदी का ज्ञान आपने हमें सिखाया, उत्तराखंड का ज्ञान भी आपने हमें समझाया, जीएस में उलझे तो आपने समझाया, एक शिक्षक होने का फर्ज आपने निभाया। तो थैंक यू सो मच सर हमारे भविष्य को ब्राइट बनाने के लिए, एक हमें सही मार्गदर्शन दिलाने के लिए, इसके हम आपके उम्र भर कर्जदार रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, एक बार आपको पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सोनी अलचौनी है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमताल से बिलोंग करती हूँ एंड को टीचर डे के अवसर पे बहुत सारी सर बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आप हमारी लाइफ में आए और हमने अभी जो हमें इतना सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, मतलब तो हमें पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी पढ़ाई का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से स्टार्ट करूँ। मैंने बुक्स भी ख़रीद ली थी, वो सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखती थी तो उससे मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि क्या बुक्स पढ़नी है। मैं सर अभी UK SSC की तैयारी कर रही हूँ एंड उसमें मुझे पहले कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या है, एक समूह गौ नाम ये कुछ सुना ही नहीं था मैंने। एक्चुअली मेरी भाभी जो है आपके चैनल से तैयारी करती थी तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था तो मैंने भी ऐसी चैनल देखा। वैसे तो मैंने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे लेकिन मैंने फिर आपका देखा, एक दो वीडियो देखी। पहले तो मैं एक हफ्ते में जैसे एक वीडियो देख ली, उसके बाद फिर कभी एक देख ली, मतलब पढ़ाई करने का एक तरीका नहीं था मेरा एक, तो फिर मैंने धीरे धीरे आपकी सारे एक एक करके वीडियो देखना शुरू करा। तो पहले आपकी मोटिवेशनल वीडियो सुनी तो मुझे थोड़ा बेटर जैसा मतलब पढ़ाई करने में एक तरीका, मतलब मुझे लगा कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने आपकी फर्स्ट में सर अभी मुझे 7 या 8 मंथ हो गए हैं आपके साथ जुड़े हुए, आपसे तैयारी करते हुए। तो पहले मैंने आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज देखी थी सर, पहले मैं एक वीडियो देखती थी, दूसरी फिर जैसे 2-4 दिन बाद देखूँगी, कोई मतलब नहीं था मतलब पढ़ाई से, बस करनी है ये सब पता था बस। तो मैंने सर फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने शेड्यूल बनाया कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है तो मुझे पढ़ना है और मुझे आपकी एक वीडियो ज़रूर देखनी है, एक दिन में एक वीडियो देखूँगी तभी इतना सारा पढ़ पाऊँगी क्योंकि आपने वो सब पहले ही पढ़ा चुके थे आप। तो फिर मैंने डेली का रूटीन बनाया था कि एक वीडियो सुबह देखनी है तो फिर मैं उसे देखती थी, ऐसे करके मैंने डेली उसे एक एक करके मैंने आपकी जिला सीरीज कंप्लीट की। उसके बाद उसका रिवीजन किया, इंडिविजुअल टॉपिक वगैरह आपके वो किए सर, उसके बाद मैंने सारी वीडियो पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह जो भी आपने पढ़ाया था धीरे धीरे करके वो सारे कुछ मैंने पढ़ा। अभी सर फिर क्रैश कोर्स चला, उसके बाद क्रैश कोर्स में मैंने फर्स्ट से आपके साथ जुड़ी हूँ, अभी भी डेली क्लासेस लेती हूँ सर। अगर आपकी एक क्लास भी ना आए तो फिर उस दिन थोड़ा बेचैनी सी हो जाती है कि क्या करें, मतलब एक आपके एक आदत सी हो चुकी है आपकी वीडियोस आपके पढ़ाई करने के आपसे। तो सर स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में अभी तक का जो भी टीचर्स आए सबसे बेस्ट स्टडी विद योगेश पांडे सर का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें हमारी लाइफ में करना है यह सब, उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वरना हम एक गाँव के रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है, बस YouTube भी पहले से कौन देखते ही नहीं थे हम कि YouTube में क्या करें, सोचते थे ऐसे ही पता चला ये वो ऐसे तैयारी कर सकते हैं तो फिर हमने भी ऐसे स्टार्ट करी। अब तो सर की वीडियो देखे बिना मतलब चैन नहीं आता है हमको, और सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगी कि
मुझे जब मैं पहले मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैं क्या थी, और अभी मैं जब मुझे हो गया है 7-8 मंथ हो गए हैं और मैंने क्या क्या हासिल किया है सर से, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि मैं अब अपना पेपर निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये भी मैं कह नहीं पाऊँगी। शुक्रिया सर, बहुत ही थैंक यू, आपने हम इतने सारे बच्चों को एक पढ़ाई का एक मार्गदर्शन दिया। बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप भी स्टडी भी दोगे, सर के साथ जुड़िए, हमारे सर के साथ पढ़ाई कीजिए, कैसा लगता है, फिर उसके बाद स्टडी भी दोगे सर के साथ पढ़ाई करके, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप भी कहोगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो सर बहुत ही शुक्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय गुरुदेव भगवान श्री योगेश पांडे जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं शत शत नमन। आज जैसे आप सभी को विदित है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो मैं सर्वप्रथम गुरु जी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी को विदित ही है कि जैसे कि गुरु जी ने हमसे कहा है कि जब अभी तक मतलब मेरे चैनल से आपने पढ़ाई की है, आप अपने अनुभव कहाँ तक मतलब कहाँ तक रख सकते हैं और कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो इसी के मतलब यानी एक फीडबैक देना है हमको पढ़ाई के रिलेटिव में, तो मैं वही देना चाहता हूँ आप सबके सामने में। तो मैं जो ये 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, मैं इनके बारे में कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी इनको मतलब वो करूँगा, कभी क्वालिफाई करूँगा, क्योंकि मैं संस्कृत स्कूल से पढ़ने वाला छात्र हूँ, तो मैंने ना जनरल साइंस पढ़ी हुई थी ना GK वगैरह और क्या बोलते इसके लिए जो रीजनिंग वगैरह आती है, तो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी थी अपनी लाइफ में। तो मैं सोचता था कि यार मैं कोई सरकारी नौकरी मतलब अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो अपना है संस्कृत से है जो मुझे स्कोप है पढ़ाई करके टीचिंग वगैरह बनने का, मैं यही नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे जो ये दरोगा वगैरह कांस्टेबल की जो भर्ती आई अभी, तो मैंने इसमें अप्लाई किया, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है, इसका पेपर कैसा होता है। तो इसमें जो जब पेपर जब मेरा फिजिकल निकला, तो उसके बाद फिर मुझे रिटर्न की वो ही टेंशन कि मैंने कहा रिटर्न कैसे करूँ, मैं रिटर्न कैसे कवर करना होगा। तो मुझे मतलब इधर उधर पूछा मैंने, तो लड़कों ने मुझे बताया कि आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए या कोचिंग में जाना चाहिए। तो मेरे पास मतलब इतना पैसा था नहीं कि जो मैं अगर देहरादून जाके रूम लेके अपने मतलब कोचिंग सेंटर में जाके या मतलब अपनी वो करूँ मतलब कोचिंग में पढ़ाई कर सकूँ, तो इतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो फिर भी मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा था कि ठीक है चले जाओ, परंतु फिर भी इतना नहीं हो रहा था कि वहाँ रूम में रहने की व्यवस्था। फिर कोचिंग सेंटरों में जाओ तो वहाँ पता चल रहा था कि कहीं आधा कोर्स हो चुका है, फिर बोले सितंबर में पेपर है, तो 3 महीने में बोला कोर्स कोई भी पूरा नहीं होगा तो आपको बोल के जगह नहीं मिलेगी। तो फिर इससे भी डीमोटिवेट हो रहा था मैं। तो इसके बाद मुझे जो यूट्यूब में योगेश स्टडी सर आपकी मतलब वीडियो जो है कि दिख गई मुझे, गलती से दिखी, चाहे वो भगवान जी ने मुझे दिखाई पर गलती से दिख गई मुझे वो वीडियो। उसके बाद जब मैंने आपको देखा, तो आपकी जो फर्स्ट वीडियो देखी मैंने, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार इस बंदे के अंदर क्वालिटी है, मैं इसी के मतलब फॉलो करके मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ अपने लिए। फिर मैंने आपका चैनल खोला और उसके बाद जो आपकी जिला सीरीज है, जैसे आपकी ये परीक्षा वाणी की सीरीज है और जैसे रीजनिंग वगैरह है, फिर जो एक क्रैश कोर्स चलाया आपने, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और मैंने जो कि जो 1 डे एग्ज़ाम है इन्हीं की नहीं, जैसे पुलिस कांस्टेबल दुर्गनी ग्रुप सी की नहीं, अब मैं ये जो AR O की तैयारी करा रहे हैं गुरु जी, मैं अगर उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप हमारे जो ये बीच बीच में कभी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है और आप हमको बीच बीच में जो मोटिवेशन करते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होता है हमारे लिए और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है हमारे लिए। हम ये सोचते हैं कि जब गुरु जी हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी कहीं ना कहीं गुरु जी की, जब गुरु जी हमारे लिए 100% करें, तो हमको भी कहीं ना कहीं 70-75% गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु जी जैसे हमारे लिए क्रैश कोर्स का बताते हैं कि आज अगर क्रैश कोर्स की क्लास है तो इसको आज ही कंप्लीट करना है, तो आज ही कंप्लीट करना है, तो मैं उस क्लास को जो क्रैश कोर्स की क्लास लेता हूँ उसको उसी दिन कंप्लीट करता हूँ और अनदर जो क्लासें हैं उनको भी करता रहता हूँ। तो आज मैं इतना मतलब अनुभव कर चुका हूँ गुरु जी से पढ़ने के बाद कि मैं किसी भी पेपर को मतलब जो ये ग्रुप सी का पेपर हो गया और ग्रुप मतलब जो भी आते हैं उत्तराखंड के लेवल के पेपर जो भी आते हैं, मैं उनको मतलब फाइट करने की अपने अंदर अनुभव रखता हूँ। तो मुझे अभी तक का जो भी अनुभव यही लगा कि गुरुजी से पढ़कर मुझे बहुत सारा मतलब मार्गदर्शन मिला और मैं जीवन में लाइफ में
एक सरकारी नौकरी मतलब पा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो सिलेक्शन होना ज़रूरी है। गुरुजी भी हमारे यही कहते हैं कि अगर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है और एक दिन आप सिलेक्शन होगे, मुझे मिलने आओगे। तो मेरा भी यह सपना है कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं गुरुजी को मिलने जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः योगेश स्टडी विद योगेश गुरुजी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो आप ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भगवान बद्री विशाल आपको दीर्घ आयु व ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करें। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय केदारनाथ। नमस्कार योगेश सर, हैप्पी टीचर्स डे। सर मेरा नाम है प्रियंका निगम, मैं रुड़की से हूँ। सर मैं 2 साल से आपकी वीडियो फॉलो कर रही हूँ, स्पेशल उत्तराखंड। सर मैं जितनी आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, और इंस्पायर ही नहीं सर मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। सर मैं ये चाहती हूँ कि आप हम सभी विद्यार्थियों के बीच जुड़े रहें, और आपसे यही उम्मीद है कि आप हम सब विद्यार्थियों का मार्गदर्शन बनाएं और हमें आगे बढ़ाएं। और सर आपसे यही उम्मीद है कि एक दिन आप ज़रूर मिले, एंड मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। थैंक यू सो मच।